यार, मतलब कि वहां पे मेरा काम। इस नदी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, भैया बता रहे थे तो कुछ पता ही है। ये नदी है पुनपुन नदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो भाई आज का जो ब्लॉग है वो एक अनएक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से, देख रहे हो मौसम मेरे सामने जो अगल बगल, अगर मौसम देखो तो बड़ा ही सुहाना मौसम हो चुका है। कि जब मौसम मानसून के मौसम में बादलों के बीच आप जब एक राइड पे निकलते हो या फिर कहीं निकलते हो घर से, तो एक अलग ही वाइब आती है। तो इसी वाइब को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं निकला हूँ। साथ साथ एक चीज़ है कि जैसे कि मैं बहुत टाइम से ना ड्रोन प्रैक्टिस करना चाहता था कि ड्रोन को अलग अलग एंगल में उड़ा के अलग अलग सिनेमैटिक शॉट, एक व्लॉग जो पूरा सिनेमैटिक शॉट से भरा हो, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो आज उसी एक्सपेरिमेंट के लिए भी निकला हूँ। एंड ये स्क्रैप कार है, तो हम लोग एनएच पे खड़े, तो स्क्रैप कार के बगल में कार पार्क किया था, तो वही जा रहे, एक सिनेमैटिक भरा व्लॉग होगा। मैं देखो भाई, इस व्लॉग में सारांश तो है ही है, और इस व्लॉग में एक नया चेहरा है। देखो ये है भैया, मेरे अर्पण भैया इनका नाम है, बहुत ही चिल पर्सनैलिटी के हैं, देख सकते हो चेहरे से स्मार्ट है। एंड जब मुंह खोलेंगे ना भाई, तो इनका बाद में इतना ह्यूमर है कि आपको भी एंटरटेनमेंट मिलेगा, हमें भी एंटरटेनमेंट मिलेगा। एंड हम लोग भैया के साथ ही जा रहे हैं थोड़े से फतुआ वाले रूट में, ताकि वहाँ पे शॉट के लिए बहुत अच्छा सा लोकेशन मिल पाए। तो भैया आज के ब्लॉग में मचाना है एकदम, है ना भाई? सुपर हिट होगा ऐसे। एक्चुअली भैया भी एक टाइम पे ब्लॉगर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, अभी फिर से शुरू कर रहे, तो थोड़ा सिनेमैटिक में मदद करूँगा इनकी। तो अभी हम लोग वही चल रहे हैं यार, तो देख सकते हो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे। ये फतुहा वाला मोड़ है, बहुत बार इसे मैंने शूट किया है, बट इन मोटो व्लॉगिंग, बट कार पे शूट करने का मौका नहीं मिला, तो आज वो भी हो मिल रहा है। एंड खासकर ऐसे मौसम में तो और मजा आएगा। पीछे भैया पीछे बैठे हुए हैं, दो सेकंड रुकोगे? गणपति बप्पा मोड़िया। देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच चुके छपाक वाटर पार्क के पास। भाई ये वाटर पार्क है छपाक, बहुत बड़ा, लेकिन जब इसका रील देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है। मैं तो पर्सनली इधर नहीं जाने वाला यार, इधर नहीं। अब आप लोग का क्या थॉट्स, मुझे नहीं पता। एक्चुअली अगर बात करूं तो मैं पहुंच चुका भाई फतुहा से भी आ गया, मैं पहुंच गया बख्तियारपुर वाले रूट में। एंड बख्तियारपुर वाले रूट में कुछ ऐसा एंड कुछ सिनेमैटिक शॉट ट्राई कर रहे हैं। देखो भाई, कभी भी बिना ट्राई के, बिना प्रैक्टिस के कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो गलतियां होती हैं। तो एंड कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास भी, इतने सारे गियर्स हो गए हैं, उन्हें ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्राई नहीं करें तो पता चले कि कैसा आउटपुट होता है। तो कुछ कुछ शॉट्स है, देखिएगा, कुछ गलती होगी तो देखिएगा। थोड़ा सा ब्लॉग देखो भाई, सीन भी बहुत है ग्रीनरी, तो ग्रीनरी का फायदा उठाएंगे भाई। देख रहे हो ड्रोन बैग कंधे पे लटका हो, तो भाई यहाँ का जो ड्रोन शॉट है भाई बड़ा गजब का है। एंड मैं कुछ कुछ ट्राई कर रहा था, नए नए शॉट्स, नए नए एंगल एंड गिम्बल के रोटेशंस। सो कैसा लगा ड्रोन शॉट जरूर बताना। एंड भी कुछ कुछ शॉट ट्राई कर रहा, लाइक आई हैव अ डीएसएलआर इन माय हैंड, कैसे कैसे डीएसएलआर को यूज किया जाता है भाई, गाड़ी और गाड़ी, लाइक कैसे कैसे डीएसएलआर को यूज़ किया जाता है, तो उसे भी ट्राई करते हैं। कुछ कुछ इसके सेटिंग्स हैं, उसको देखेंगे, 1080p पे कैसा होता है, 2160p पे कैसा होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं यार। तो एंड इससे भी कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे हैं सेटिंग्स, कोशिश करता हूँ कैसा आता है। राइट नाउ चलो ये वाला मोड ऑन करते हैं। सो अब जो होगा बैकग्राउंड डिफोकस हो गया होगा, ऐसा कुछ सीन है। एनएच में भाई गाड़ियाँ तो चलती है ना, कार
जब यहाँ पे खड़े रहते हैं तो लगता है भाई कि ये सब गाड़ियाँ इतनी तेज चले, बट भाई जब हम लोग रियलिटी में चलाते हैं तो खुद 100 प्लस स्पीड होता है, कुछ ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भैया का भी मैंने बहुत सारे शॉट्स निकाले हैं, तो आप भैया के भी आईडी पे जाके देख सकते हो। हेलो भैया, आईडी इंस्टाग्राम अभी फिलहाल है अर्पण कुंद्रा, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड ये बादल वाले मौसम देखो यार, क्या हवा चल रही है मौसम। हाँ, एंड इसमें भी मैंने अभी इसको बेचारे हमारे ड्रोन भैया को दौड़ाया है, अभी बैटरी एक बैटरी खुश हो गई तो दूसरी बैटरी भी लगाएंगे, एंड उसके बाद फिर से दो सिनेमैटिक शॉट और लेते हैं, एंड आगे बढ़ते थोड़ा थोड़ा दूसरे लोकेशन पर ट्राई करते हैं, एक लोकेशन बोर्ड हो जाता है ना यार। भाई यहाँ पे भी रुके हुए हैं NX में बीच में, एंड क्या आयरनी हो गई ना कि पानी मतलब बारिश हो रहा है, बारिश के बीच में भी हमें पानी चाहिए, तो पानी का प्रबंध कर लेने का भैया अभी। एंड इधर भाई स्नैपचैट चल रहा है, पानी का प्रबंध देखो भैया आ रहा है भाई, ले भाई पानी लो, पानी लो, इतना ख्याल भैया। इस सीन में कुछ ऐसा हो गया यार, कैमरा था स्लो मोशन मोड पे एंड मुझे पता नहीं चला, तो यहाँ पे सीन ऐसा था कि हम लोग दूसरे लोकेशन पे गए जो कि रोड से नीचे था, तो देख सकते हो ऐसे ऐसे नीचे गए एंड ऊपर सरांश लटक गया भाई, सरांश को कितना ही बुला रहा था वो आ नहीं रहा था, थोड़ा सा खौफ हो गया था बेचारे को कि भाई उतरूँगा तो कहाँ जाऊँगा, तो देखो इसके बाद ठीक हो गया आवाज़, तो आगे वाला कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब कि देख रहे हो यार, एक बख्तियारपुर फोर लेन हाईवे में एक नदी था, तो भैया ने बोला कि चल नीचे चल के शॉट लेते, तो अवन भैया गया, बाद मानी भाई नीचे आ गया, एंड लिटरली भाई गूज़बम्स तो है भाई, सीन तो मतलब मेरे को जो एस्थेटिक चाहिए था ना, जो सिनेमाटोग्राफी जो करने का मन करा था, तो यहाँ पे करते हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें से बड़ी चीज़ें बनती क्या भैया। नहीं नहीं बहुत अच्छा पिक, मतलब अरे सरांश बहुत अच्छा पिक लेता है, अगर आपको पता ना हो तो भाई सरांश बहुत अच्छा फोटोग्राफर है बेचारे को, हम भी सिखाए इसको। हाँ भाई मेरा गुरु है ना। बस भाई आप लोग का सपोर्ट चाहिए यार, नहीं तो फिर हम लोग एक मतलब बहुत अच्छे कंटेंट से आएंगे, और बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए अच्छे से, है ना जी। ये थोड़ा हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो अभी YouTube पे अपने ब्लॉग्स बनाने जा रहे हैं, एंड मेरा ही एक ट्रिप है, नेक्स्ट ट्रिप में भैया मेरे साथ रहेंगे, तो वो पूरे ट्रिप का हम लोग थोड़ा सा वाइब लेने के लिए थोड़ा निकल गए हैं बाहर। सबसे अच्छा व्यू आपको मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए हमारे देश का शान, आन बान और शान हमारा झंडा, क्या बात, वहाँ पे हम लोग आ गए, सैल्यूट है पूरी तरह। आई प्राउड टू बी एन इंडियन।
हमारे देश में ही ना घूमने के लिए बहुत कुछ है। मतलब आप क्या लंदन अमेरिका ये सब करते हो यार, यहीं पे सब है। इस नदी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, भैया बताना चाह रहे तो कुछ बताइए भैया। ये नदी है पुनपुन नदी। हाँ, यहाँ पे लोग मोस्टली मतलब आते हैं, छोटी छोटी जो होती ना मछलियाँ, जो जिनका शौक है खाने का, वो यहाँ पे ऊपर में लोग मतलब आते हैं मछली मतलब उसको लेने। और यहाँ की मछलियाँ लोग कहते हैं, हम तो खाते नहीं हैं, हम प्योर वेजिटेरियन का बात कर रहा भाई, फिर भी स्वादिष्ट होता है, लोग जैसा कहते हैं खाते भाई हैं। तुम खाया है मछली यहाँ का? हाँ, पहले तो खाते थे तो हाँ टेस्ट अच्छा है। एंड अगेन रिपोर्टिंग फ्रॉम हर्ष व्लॉग्स। भाई मौसम तो तगड़ा है एंड ड्रोन शॉट भी बड़े तगड़े तगड़े आए हैं, तो कैसा कैसा शॉट्स है वो देखते रहो। एंड ये शायद यहाँ पे पीछे दिल्ली पब्लिक का स्कूल है, तो उधर का थोड़ा झंडा वंडा था तिरंगा, तो हमने सोचा कि उसका भी थोड़ा ड्रोन शॉट लेके देखते हैं। एंड हियर वी आर, एंड पीछे ये जो पेड़ देख रहे हो सब ताड़ का पेड़ है, अगर आपको पता ना हो फॉर योर कॉमन सेंस फॉर योर, तो बताता हूँ इसमें एक चीज़ क्या है। यहाँ पे आए हैं तो उस चीज़ को रूबरू कराते हैं, मैं जब दिखा तो सोचा कि आपको दिखा देता हूँ, अगर बिहार से हो तो इस चीज़ को जानते होगे मे बी। ये जो फल देख रहे हो आप, ये इसी के ताड़ के पेड़ से निकलता है। एंड बहुत लोग इसमें से छोटा छोटा निकलता है कुछ खोआ टाइप, तो बिकता भी है मार्केट में, अगर आपने कभी गाँव में हो गए बिहार में तो आपने खाया होगा वो चीज़। एंड इधर देखो तिरंगा का सूट चल रहा है यार, दिस शूटिंग इज इन सेंस। उसे वो स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ वाला, यहाँ पे खेत वगैरह हैं, तो अपन लोग घूम रहे थे। देखो खेत में हम लोग जो ये जो होता है ना, ये खेत के बीच में ये छोटा सा जो रास्ता छोड़ा जाता है, ये छोटा सा, तो हम खेत में आड़ी भी बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में, मेरे को जहाँ तक पता है तो वो बता रहा हूँ। ये ताड़ के पेड़ होता है, इस पर रस्सी बांध बांध के चढ़ा जाता है। एंड यहाँ पे बिहार में बहुत फेमस चीज़ है एक, उसे कहते हैं भाई ताड़ी। ओह हाँ, तो वो भी इस वजह से मिलती है। वो रहा यार मतलब कि वहाँ पे मेरा कार, हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था इस पेड़ के बारे में, ताड़ के पेड़ के बारे में। एंड ये वह इसका बाय प्रोडक्ट, तो इसी में से निकलता है ये, ऐसा ही कुछ होता है। अब इसको चीरोगे तो पका हुआ है, लेकिन कच्चा रहता है ना तो इसमें कुछ निकलता है ना, इतना बड़ा बड़ा। खैर छोड़ो, भैया के पास है आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB, 1.5 लाख का मेरे कैमरे से। एंड भाई शो ऑफ क्यों ना करा, जब इतना महंगा चीज़ है तो सब बनता है। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस चल रहे हैं, ऊपर जाना है जहाँ पे सरान का फट रहा था वहाँ पे वापस चलेंगे। एंड देख सकते हो उस रास्ते से चलेंगे वापस ऊपर। सो मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा रास्ता है भाई खराब। भाई भी आगे ऊपर
एंड बैठे हूँ यहाँ पे एंड पीछे अपनी कार पार्क है। यहाँ से चलेंगे अब तो डायरेक्ट, ज़्यादा दूर नहीं है। कार की तरफ देखो, चलो चलते हैं यहाँ से एंड अब चलना है वापस। कार पे जाएंगे एंड वापस। सिनेमैटिक का ट्राई करने आए थे, बहुत मेरे को बढ़िया बढ़िया जगह मिली एंड सिनेमैटिक मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, बट एक दिन में तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो होप सो तो बढ़िया बढ़िया वीडियो सैम्पल्स हो गए मैं इस ब्लॉग में आपको दिखेगा यार।